नमस्ते किसान भाइयों, आज आपका स्वागत है एक बार अपने YouTube चैनल इनोवेटिव फार्मर्स पर। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि शरीफा के बीजों से किस प्रकार से घर पर पौधे तैयार किए जा सकते हैं, और आप किसी भी वैरायटी के पौधे, शरीफा के किसी भी वैरायटी के पौधे आप अपने घर पर तैयार किए कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इनोवेटिव फार्मर्स को, और साथ ही पास में बने घंटी वाले बेल आइकन को दबाइए जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। किसान भाई, आप देख सकते हैं मैंने शरीफा के बीज लिए हैं जो कि मैंने खुद ही शरीफा के फल से निकाले थे। तो आप इस प्रकार से अच्छे जो अच्छी वैरायटी के बीज होते हैं उन बीजों का चुनाव कर लीजिए। उसके बाद किसान भाई, मैंने ये गमला लिया है, आप इस प्रकार का गमला ले सकते हैं। इसमें जो ड्रेनेज होल होते हैं उन होल के ऊपर आप यदि होल बड़े हैं तो उसके ऊपर कुछ रख दीजिए जिससे कि मिट्टी जो नीचे नहीं निकले। उसके बाद आप रेत ले लें। इस गमले में भरने के लिए आप जो रेत लें उसकी मात्रा लगभग 60-70% रेत होनी चाहिए। और उसके बाद 20-30% उसमें जो गार्डन की अच्छी मिट्टी होती है वो मिट्टी मिला दें, और उसमें 8-10% लगभग उसमें अच्छी गोबर की पकी हुई खाद या कोकोपीट होनी चाहिए जिससे कि आपके गमले में नमी अच्छी प्रकार से बनी रहेगी। इसके बाद आप इस सभी को मिला दें, उसका अच्छा मिश्रण तैयार कर लें। और इसका मिश्रण तैयार होने के बाद इसे गमले में भर लें। एक बात का ध्यान रखें कि आपका जो गमला वो बड़ा नहीं होना चाहिए, और वो लगभग ऊपर से 1.5 से 2 इंच ऊपर से खाली होना चाहिए। आप उस गमले को पूरा नहीं भरें, और कभी भी गमले को भरने के बाद ऊपर से दबाएं नहीं। आप देख सकते हैं मैंने इस गमले को भर दिया है, और इस प्रकार से आप इस गमले को भरने के बाद इसमें जो शरीफा के बीज हैं उन बीजों को लगा दें। ज़्यादा इन्हें गहराई में नहीं लगाएं। इन बीजों को लगाने के बाद फिर ऊपर से थोड़ी वही जो मिश्रण आपने तैयार किया था वो थोड़ा मिश्रण डाल दें। उसके बाद ऊपर थोड़ी गोबर की अच्छी खाद डाल दें जिससे कि इसके ऊपर अच्छी प्रकार से नमी बनी रहेगी। पहले इसमें दिन में दो से तीन बार पानी देते रहें जिससे कि इसमें नमी अच्छी प्रकार से बनी रहेगी। पहले आप इस गमले में किसी फुहारे से पानी दें जिससे कि ये दबेगा नहीं। थोड़ा थोड़ा पानी फुहारे से दें और बाद में इसे अच्छी प्रकार से पानी दे दे। पहली बार इसमें इतना पानी दे कि इसमें जो ड्रेनेज होल है उससे पानी नीचे की साइड पे निकलना चाहिए। इस प्रकार से इसमें पानी देते रहे, और लगभग इसमें 20 से 25 दिनों के बाद आपके जो बीज हैं वो पौधों में इसके जो अंकुरण हो जाएगा और वो पौधे तैयार हो जाएंगे। विशेष बात का ध्यान रखें कि इसे गर्मी में भी रखें। और किसान भाई, इसी के साथ आप यदि अच्छी वैरायटी के जो बीज काम में लेते हैं तो आप घर पर ही अच्छे शरीफे के पौधे तैयार कर सकते हैं और अच्छी वैरायटी के फल प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाई, आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें पानी दिया है, इसके जो ड्रेनेज होल है उससे पानी निकलने लग गया है, और ऊपर की साइड भी थोड़ा पानी भरा है। तो आप पहली बार में इसी प्रकार से इसमें इतना पानी दें जिससे कि पौधे जल्दी अंकुरण हो जाएंगे। इस प्रकार से आप इसे 20 से 25 दिनों में ही ये जो पौधे हैं वो बाहर निकल आएंगे। किसान भाई, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे वाले लाइक वाले बटन, काले बटन को नीला कर दीजिए, और साथ ही एरो वाले बटन से वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और साथ में एक सवाल है कि राजस्थान में शरीफे का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है, इस सवाल का जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।